हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ऐसे कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, या यूं कह लीजिए कि अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करनी है तो इन वाक्यों से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले है थैंक्स सो मच। किसी का भी थैंक्स करना हो तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, और इसके साथ कुछ भी साथ में जोड़ सकते हैं। तो जैसे किसी ने आपको आपके बर्थडे के लिए पैसे दिए, मनी दी, तो आप उसको कह सकते हैं थैंक्स सो मच फॉर द बर्थडे मनी। और अगर आपको कोई आपके घर तक छोड़ने आया है तो उसका भी आप थैंक्स कर सकते हैं, थैंक्स सो मच फॉर ड्राइविंग मी होम। नेक्स्ट है आई रियली अप्रिशिएट, मीन्स मैं इस बात की कदर करती हूँ या मैं इस बात की कदर करता हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज दिस फ्रेज टू थैंक समवन। फॉर एग्जाम्पल यू माइट से आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, कि आपने मेरी मदद की, मैं उसकी कदर करता हूँ। और इसके साथ आप पहले वाला फ्रेज भी जोड़ सकते हैं, जैसे थैंक्स सो मच For cooking dinner, I really appreciate it. कि आपने मेरे लिए खाना बनाया, आपके इस काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक्स सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू कुकिंग डिनर, कि मैं आपके खाना बनाने के कारण मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी, जब आपको लगे कि आपके रास्ते को किसी ने रोका हुआ है, आपने निकलना है वहां से, और या आपने किसी की अटेंशन को, किसी के ध्यान को अपनी तरफ खींचना है, तब भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी सर यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट, कि एक्सक्यूज मी आपने अपना पर्स गिरा दिया है। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, कि एक्सक्यूज मी क्या आपको पता है कि क्या टाइम हो गया है। तो ये जितने भी फ्रेजेस हैं, एक बात तो क्लियर है कि जब तक आप इसको बोलना नहीं शुरू करेंगे ये आपकी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सके उतना ही आपकी लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये बढ़िया कदम होगा। नेक्स्ट है आई एम सॉरी, आपकी तरफ से हुई कोई भी गलती, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके साथ फॉर लगाकर उस गलती की डिटेल भी आप साथ में दे सकते हैं कि मैं ये सॉरी क्यों कह रहा हूँ। जैसे आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, कि देर से आने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आई एम सॉरी फॉर द मैस, कि ये जो सारा अस्त व्यस्त हो गया उसके लिए भी मैं सॉरी मांगता हूँ। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीवन टुडे, कि ये जो घर साफ सुथरा नहीं है, इसमें गंद डला हुआ है, उस सारे मैस के लिए, गड़बड़ के लिए, ये जो अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीवन टुडे, कि मैं आज किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई मेरे घर आएगा। You can use really to show you are very sorry for something. आप शब्द really का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने कहना हो कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I am really sorry I didn't invite you to the party. कि मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपको पार्टी में इनवाइट नहीं किया। Next, what do you think? इस सेंटेंस का उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आपने किसी की ओपिनियन लेनी हो, किसी का दृष्टांत लेना हो, किसी की राय लेनी हो कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। जैसे आई एम नॉट श्योर इफ वी शुड पेंट द रूम येलो और ब्लू, कि मुझे पक्का नहीं है कि हमें इस रूम को पीला या नीला पेंट करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट, How does that sound? अगर आपने किसी को अपनी राय दी है, कोई आइडिया दिया है, कोई विचार दिया है, okay? तो उस विचार के बारे में दूसरों की राय क्या है, तब उनकी राय जानने के लिए आप इस सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे We could have dinner at 6 and then go to a movie. हम 6 बजे डिनर कर सकते हैं और उसके बाद मूवी देखने जा सकते हैं। How does that sound? तो इसके बारे में आपका क्या विचार है। एक और सेंटेंस, Let's hire a band to play music. कि ऐसा करते हैं कि गाने बजाने के लिए हम एक बैंड हायर कर लेते हैं। And Brent can photograph the event. और Brent इस सारे इवेंट की फोटोग्राफ लेगा। How does that sound? इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो अगर आपने कहना हो कि यस, कि मैं इससे सहमत हूँ या ये बहुत बढ़िया आइडिया है,
तो आप इस सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं, दैट साउंड्स ग्रेट। इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं अलग अलग वर्ड से, जैसे दैट साउंड्स ऑसम, दैट साउंड्स परफेक्ट, दैट साउंड्स एक्सीलेंट, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। माय मॉम इज बेकिंग कुकीज दिस आफ्टरनून, मेरे मॉम इस दोपहर को बिस्किट बना रहे हैं। We could go to my house and eat some. हम सभी मेरे घर में आ सकते हैं और बिस्किट खा सकते हैं। How does that sound? तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? तो सभी ने क्या जवाब दिया? That sounds fantastic. ये बहुत बढ़िया आइडिया है। Next. Oh, never mind. तो इस फ्रेज का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आप किसी से कोई बात शुरू करें पर वो बात उसको समझ ना आए, और आपने जब देखा कि मेरी बात उसको समझ में नहीं आ रही तो आप अपनी बात को खत्म करने के लिए ये फ्रेज का इस्तेमाल आप ये कहते हुए कर सकते हैं कि ओ नेवर माइंड, यू कैन नाउ टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तो इस फ्रेज का इस्तेमाल आप अपनी बात को खत्म करने के लिए और कोई और दूसरी बात शुरू करने के लिए कर सकते हैं, जैसे ओ नेवर माइंड। और इसको एक और तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स तो यहाँ नेवर माइंड का मतलब होगा इट डजंट मैटर और जस्ट फॉरगेट इट, के इस बात को बस छोड़ दो। तो अगर आपने ऐसी बातों के लिए ये फ्रेज का इस्तेमाल करना है, आपके चेहरे पर स्माइल हो और एक पॉजिटिव टोन हो, तभी इसका ट्रू मीनिंग दूसरे के साथ आप कन्वे कर सकेंगे। और दूसरी ओर अगर आपने यही फ्रेज थोड़े से लो टोन में बोला और थोड़ा सा धीरे बोला, तो इसका मतलब ये होगा कि आप चिंतित हैं और थोड़े परेशान हैं, अपसेट हैं। तो चलिए जो हमने पहले पढ़ा उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ए और बी। तो ए क्या कहता है? आर यू गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर टुडे, क्या आप किराने की दुकान पर आज जा रहे हैं? तो बी क्या जवाब देता है? नो आई एम नॉट बट वाई। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि जो ए पूछ रहा है वो बी को समझ नहीं आया। बी की क्या वर्डिंग थी? नो आई एम नॉट बट वाई, डू यू नीड समथिंग, कि नहीं मैं नहीं जा रहा पर क्यों पूछा आपने, क्या आपको कुछ चाहिए था? अब ए चाहता है कि वो बात खत्म करे, इसकी डिटेलिंग में ना जाए और कोई और बात शुरू करे, तो वो क्या कहेगा? ओह नेवर माइंड, इट्स ओके, आई विल गो टुमारो, कि कोई खास बात नहीं, ठीक है मैं कल चला जाऊंगा। नेक्स्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो इस सेंटेंस का उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आपने इंग्लिश स्पीकर लोगों को बोलना हो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, कि माय नेम इज सोफी एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इस फ्रेज का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी की बात समझ में ना आए। नेक्स्ट है, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, अगर आपको किसी की बात एक बार में नहीं समझ आई और आप चाहते हैं कि वो वही बात दोबारा रिपीट करे, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। इसके साथ हम प्लीज भी जोड़ सकते हैं, या तो बीच में और या सेंटेंस के आखिर में, जैसे कुड यू प्लीज रिपीट दैट और कुड यू रिपीट दैट प्लीज। नेक्स्ट, व्हाट डज डैश मीन, अगर आपने किसी का मतलब पूछना हो, किसी का मीनिंग आपको क्लियर ना हो, तो वो वर्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि व्हाट डज डैश मीन। डैश की जगह पर आप वो वर्ड बोल सकते हैं, जैसे आपने बोलना हो व्हाट डज डिस्ट्रक्शन मीन, व्हाट डज अफेक्शन मीन। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू स्पेल दैट, अगर आपने किसी भी शब्द के स्पेलिंग जानने हो कि आप इसको कैसे स्पेल करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, तब आप इस सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी का नाम लिखना है और उसके नाम के स्पेलिंग आप पूछना चाहते हैं, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे ए ने कहा कि माय नेम इज रॉबर्ट हैंक चीफ, तो सी का कहेगा हाउ डू यू स्पेल दैट, आप इसको कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन, मींस आपको शब्द समझ आ गया कि उसने क्या बोला है, ये नहीं है कि आपको ये सुना नहीं है, शब्द आपको हूबहू समझ आ गए पर उसका मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तब आप ये पूछ सकते हैं। जैसे ए क्या कह रहा है? द स्मिथ्स डू हैव अ रियली नाइस हाउस,
कि जो स्मिथ्स हैं उनके पास सचमुच बहुत अच्छा घर है, बट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अब यहाँ एक ईडियम का, एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में पड़ा लड्डू बड़ा ही लगता है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं बट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पर इसका मतलब बी को ये समझ नहीं आया, तो वो क्या पूछता है, व्हाट डू यू मीन। तो ए क्या एक्सप्लेन करता है, आई मीन दैट इफ वी हैड द स्मिथ्स हाउस, मेरा मतलब है कि अगर हमारे पास स्मिथ का घर होता, वी प्रोबेबली वुडंट बी हैप्पियर, तो हम शायद खुश ना होते। वी ऑलवेज थिंक अदर पीपल हैव बेटर लाइव्स देन अस, हम अक्सर यही सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगियां हमारी जिंदगी से काफी बेहतर है। बट अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू, पर दूसरे लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह दो वीडियोज मैं तुहाडे लई होर सिलेक्ट कीतियां, उम्मीद है तुहानू यह भी पसंद आ गया। नाल ही तुहाडे नाल संबंधित प्लेलिस्ट भी मैं अटैच कर दी है, उम्मीद है तुहानू मेरे वालों कीतियां जाण वालियां एफर्ट्स जरूर पसंद आ रही होणगियां। चैनल नू सबसक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।